सड़क पर उतरी 40,000 पुलिस। विद विजुअल दिखाइए जरा यहाँ पर। दंगे पर काबू के लिए पुलिस की बड़ी तैनाती, एम्बियंस आप करिएगा। फ्रांस के कई शहरों में हालात एकदम बेकाबू हो गए हैं। दीपक सर हैं हमारे साथ, अगर मुझे यकीन हो तो। बिल्कुल, मैं दीपक सर के पास जाऊंगा अगली 3 ब्रेकिंग के बाद। सीधे आइए इसके बाद एक और बड़ी खबर राहुल। 17 साल के युवक की मौत के बाद फ्रांस में बवाल, विजुअल दिखाइए राहुल। तीसरी रात भी कई शहरों में हिंसक दंगे की रिपोर्ट, एम्बियंस आप करिए। फ्रांस के मासिले में हालात बेकाबू, मासिले में कई जगहों पर भीषण आगजनी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, जंग का मैदान बना यूरोपीय गार्डन। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूरोपीय गार्डन की बिल्डिंग में लगाई गई आग, ये देखिए अब आप। पुलिस हिरासत में करीब 421 प्रदर्शनकारी, हिरासत में 14 से 18 साल के प्रदर्शनकारी। अकेले पेरिस में 242 लोगों को किया गया डिटेन। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को, बिग वॉल दिखाइए यहां पर 72 घंटे से। और राहुल तीनों ब्रेकिंग यहां पर बगल में शॉट्स के साथ, प्लेट ऑन यहां पर, वीडियो वॉल भी आपके सामने है। फ्रांस में 72 घंटे से जारी दंगे पर काबू के लिए 40,000 पुलिस बल की तैनाती। नेक्स्ट दिखाइए, फ्रांस के अलग अलग शहरों में पुलिस की रिकॉर्ड गिरफ्तारी। विजुअल्स देखिए जरा आप, ये देखिए, प्ले ऑन करिए सतपाल जी, जरा दिखाइए पुलिस, 40,000 पुलिस बल। ये सिविल वॉर वाले हालात है क्या वहां पर, मैं जानने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट दिखाइए, पेरिस में 242 लोग समेत कुल 421 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। नेक्स्ट दिखाइए, हिरासत में लिए गए लोगों की उम्र 14 से 18 साल के बीच में है। राहुल तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए, दीपक सर के पास चलिए। दीपक सर, क्या इसमें युद्ध का साया है या रशिया का हाथ आया है? बड़ी अच्छी तरह पोएट्री से आपने ये सवाल पूछा है। पेरिस से मेरी पहली पोस्टिंग थी एंड आई स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, जैसा आप जानते हैं। तो फ्रांस के बारे में एक चीज कहा जाता है, जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है, सुहाना हो जाता है, तो फ्रांस के लोग सड़कों पर उतर आते हैं और कहते हैं चलिए प्रदर्शन करें। कोई किस लिए प्रदर्शन करें वो बाद में फैसला करेंगे, पहले करें। लेकिन जो पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, आपको याद होगा कि वो पीली बनियान वालों की जोन, जो पीली वेस्ट पहन के, वो भी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। बेसिक इशू ये है सर, फ्रांस में हमेशा से रही है, जब भी उनकी इकोनॉमी टैंक करती है। I'm sorry सर, आपका लिंक टूट रहा है, pardon me सर, लेकिन बड़ी खबर, फ्रांस में सुपरमार्केट पर हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स, यहां पर गाड़ी मार दी अंदर, देखिए विजुअल दिखाइए राहुल, एम्बियंस आप करिएगा। ये देखिए, फिर से प्ले ऑन करिए राहुल इसको जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। टिकट में खबर अपडेट, यस ये देखिए सुपरमार्केट में किस तरीके से अटैक किया, दंगाइयों ने सुपरमार्केट में घुसाई कार। इसके बाद दूसरी ब्रेकिंग राहुल दिखाइए जरा, फ्रांस में सुपर स्टोर जो है उस पर लूट का वीडियो आया, दिखाइए जरा विजुअल। दंगे के नाम पर स्टोर में लूट की वारदात, अफ्रीकी और अरब गैंग पर लूट का आरोप लगा है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए हिमांशु, क्विक रिएक्शन। इमिग्रेंट्स, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। जी, ये जो बहुत बढ़िया पॉइंट रेस किया, मैं बताऊं क्यों, क्योंकि इमिग्रेंट्स और जो माइनॉरिटीज हैं उनकी और पुलिस की यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनती है। पुलिस का जो हेट्रेड है जो इमिग्रेंट्स और जो माइनॉरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हाई।